मध्य प्रदेश के रीवा में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है। लक्ष्य 16,29,000 मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ था। इस उपलब्धि पर वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने संग्राहकों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों और तेंदुपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़े मामले को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण जनजाति बाहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है। प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ 80 जिला यूनियन और 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहा है। इससे 35,00,000 संग्राहक जुड़े हुए हैं। इनमें से 50% संग्राहक अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं और 40% संग्राहक महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक ने जानकारी दी कि वन समितियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के गत 22 अप्रैल को हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर में 500 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा दर निर्धारित कर दी गई है। इस वृद्धि से संग्राहकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ की राशि पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके खाते में वितरित कराना प्रारंभ हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए से अधिक है। तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में 600 करोड़ और वर्ष 2021 में 843 करोड़ रुपए का विक्रय प्राप्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रा24 न्यूज़।